irony, humor, and satire, and sarcasm, plot construction, and dramatic techniques, and style and dictions, and writing method, methodology and expressions, and those topics today we will discuss in John Austen's. Basically, in the Pride and Prejudice, the mainstay of the John Austen's dramatic techniques in her use of irony. It does not mean that the other novelists do not use the techniques, but rather the implications here is that she uses in it a manner of her own style. So agar dekha jaye iske khususiyat mein to jo facts hain John Austen ne jo facts techniques iske andar lagu ki hain wo contribution of irony ke hain aur ye irony mein bhi humor ke method mein hai ya stability hai ya जो है सरकेस्टिक है तंजिया है लेकिन इसने एक जो है एक्सप्रेशन उसके अंदर जो है वो पैदा किया है कुछ वर्ड्स के अंदर कुछ जो है डायरेक्ट ऑपोजिशन यूज़ ऑफ सेंस के अंदर और इसने जो है जो नॉवल के अंदर जो आयरनी इस्तेमाल की है वो कंट्रास्ट करती है किसके साथ विद द करेक्टर्स करेक्टर्स के साथ उनके स्टाइल के साथ उनके रिवील के साथ उनके स्पीच के साथ और उनके एक्शन के साथ और इस चीज़ को जो प्ले सुनने वाला है देखने वाला है वो भी जो है इनकी स्टाइल को जानता है करेक्टर्स की स्टाइल को जानता है स्टोरी की जो है वो बेहतरी को जानता है स्टोरी की करेक्टरिस्टिक्स को जानता है जो कि टेक्निक्स इस तरह इस्तेमाल करने पर जो है वो बनती हैं अब अगर देखा जाए तो आयरनी जो है वो डिफाइन कर रही है कंट्रीब्यूशन एंड सर्कमस्टांसेस को कि इसके अंदर जो है प्राइड एंड प्रेजिडिस के अंदर जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो फॉर्म ऑफ आयरनी जो है वो भी प्राइड एंड प्रेजिडिस के अंदर जो है वो एक अलहदा जो है एक्सप्रेशन पैदा कर देती है एक अलहदा जो है कूल माइंडेड कंपटीशन या जो एक माइंड ऑफ करेक्टराइजेशन पैदा कर देती है उसके अंदर जो कि कॉम्प्लेक्शंस ऑफ एक्सपीरियंस के जो है वो बायस बनती है और मतलब जो है इसी तरह की जो है आयरनी जो है वो सक्रात भी यूज़ करता था जो कि जो है फिगिंग ऑफ इग्नोरेंस इन आर्गुमेंट्स होती थी अगर फर्स्ट स्टैंजा देखा जाए तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज लाइक ऑफ आयरनी इन द नावल ऑफ द रेदर एब्रप्शंस अचानक नमदार होती है आयरनी और ये बेसाख्ता जो है जो दो हकाइक पर होती है जैसे मिस्टर बेनेट है और ठीक है और इसकी इसके ऊपर जो कमेंट्स हैं ठीक है जो टेढ़े मेढ़े कमेंट्स हैं किसके जी जब जो है मिसेस बेनेट जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है आई सर्टनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी व्हेन ए वुमन हैज़ ए फाइव ग्रोन अप डॉटर्स शी आउट टू गिव ओवर थिंकिंग ऑफ हर ओन ब्यूटी अब वो क्या कहती है कि बेसिकली जो है जिसकी पांच बेटियां जो है वो ग्रोइंग हुए नौजवान हों उसको तो अपनी हैसियत से ज़्यादा सोचना चाहिए उनकी शादी के लिए अपनी हैसियत से जो है ज़्यादा जो है उनके लिए जो है वो सोचना चाहिए कि उनको जो है
किधर कहाँ पे जो है उनकी शादी करवानी है। सो हिज़ रिस्पॉन्स इज़ मोस्टली अनएक्सपेक्टेड एंड इवनिंग लर्निंग एज लाइक वेन ही सेज़ दैट इन सच ए केसेस ए वोमेन हैज़ नॉट ऑफन मच ब्यूटी टू थिंक ऑफ। अब ये मिस्टर बेनेट के अल्फाज हैं कि एक वोमेन को चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो बतकल्लफी ना इख्तियार करें। तो यहाँ पर जो है ये आयरनी का फैक्ट है, बेसब्री का भी फैक्ट है, ठीक है। जैसे जो है मिस्टर मिसेस बेनेट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो मिसचीव बिहेवियर करती हैं इसके अंदर, और वो मतलब जो है अगेन जो जो है वो किटी है, ठीक है, और जो उसका जो एम मैरिशम जो एंड पे जो हस्बैंड आ जाता है, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, अब दोनों को जो है वो क्या करती है, डांटती है, एज़ लाइक किटी हैज़ नो डिस्ट्रेक्शंस इन हर कॉच, यानी कि किटी के ऊपर जो है इनका कोई भी जो है वो कंट्रोल नहीं है। और ये अगेन जो है वो क्या करते जी, वो सार्कैज़म या तंजियापन जो है वो आ जाता है, यानी कि मिसेस बेनेट्स जो है वो नोटिस करती हैं कि ये जो है ऐसा कर रही है पिटी। अब अगर देखा जाए तो जॉन ऑस्टन जो है वो एम्प्लॉय कर रही है आयरनी, वो भी जो है किसके अंदर जी, राइटिंग की महारत के अंदर। वो कैसे, जैसे जो है वो मिस्टर बेनेट जो है वो कहते हैं ही लेफ्ट द रूम फाइटेड विद द रिपीटर्स ऑफ हिज वाइफ, यानी कि जो है वो अगर उसकी बीवी जो है वो वाइफ से निकल जाए, मतलब वहाँ से निकल जाए, तो वो बहुत खुश हो, मतलब वो बहुत खुश होता है अगर जो है वो वहाँ से चली जाए। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेंटेंस में जो है अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और सेकंड में जो है वो इंस्टेडेड या स्टेड जो है बहुत ज़्यादा हैं, और इसी तरह जो है जो वैल्यूज़ ऑफ आयरनी हैं वो भी इसके अंदर इसके साथ साथ जो है वो इंक्लूडेड है। जैसे वो एक और लाइन कहते हैं टू बी फाउंड ऑफ डांसिंग वाज अ सर्टेन स्टेप टुवर्ड्स फॉलिंग इन लव। तो यहाँ पर जो है राइटर जो है वो क्या करती है, ये ड्रामेटिक आयरनी इस्तेमाल करती है। अब ड्रामेटिक आयरनी जो है वो हथियार है एक मज़बूत तरीन हमरस का, ठीक है, और ये ग्रेट डिपेक्शन है। ग्रेट डिपेक्शन किसकी है जी, मतलब मिस जॉन ऑस्टन की है, और दूसरा करेक्टर जो है मिस्टर कॉलिन, ये भी जो है वो एक ड्रामेटिक आयरनी के अंदर जो है बनाया गया है। बेशक जो है ये एक जेंटलमैन है और अनवेलकम जो है वो है बीवियों के दरमियान, औरतों के दरमियान जो वहाँ पे बहनें होती हैं उसकी, लेकिन ये जो है वो जाहिर करता है ड्रामेटिक जो है वो आयरनी के साथ, ड्रामेटिकल आयरनी के साथ। अब इसी तरह जो है हम अगर जैसे जो है फॉर एग्जांपल जो है हम देखते हैं मिसेस फिलिप्स को और उसके जो है मैट्रिडन ऑफ हाउस को देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो आयरनी का बिहेव जो है ड्रामेटिक आयरनी का या मातम मनाने का जो है वो बिहेव इसके अंदर आया हुआ है लाजमी। जैसे वो क्या कहते हैं मिस्टर कॉलिंस रिपीटेड हिज ऑब्लिजेस एंड क्विटिंग द रूम एंड वाज अश्योर्ड विद अनवेयरिंग सिविलिटी दैट दे वर परफेक्टली नीडलेस। तो हम इसके अंदर जो है ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है आयरनी के इस करेक्टर के अंदर। और दूसरी जानब जो है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स और भी हैं जो कि आयरनी के अंदर हैं, जैसे एलिजबेथ के अंदर है, ठीक है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड हिज डायलमा इज़ दैट चूज बिटवीन द डैशिंग गुड लुकिंग एंड वेकम्स एंड द पावरफुल करिश्मा ऑफ डार्सी, सो शी कांट बी डिनाइड शी कांट चूज़ ओवर देयर
And Mr. Collins present herself himself as her in the manner as like, I think it a right thing. मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है फॉर एवरी क्लर्गी मैन, एक हर किसी जो है क्लर्गी मैन प्रेस के साथ इन ईजी सरकमस्टांसिस अच्छे हालात में लाइक माई सेल्फ जैसे कि मैं टू सेट द एग्ज़ाम्पल ऑफ मैट्रिमोनी इन हिज प्रेस कि वो जो है वो एक जो है वो क्या कर ले जी वो शादी कर ले उनमें से जो है किसी भी बहन के साथ वो आगे क्या था सो इसके अंदर अगर देखा जाए तो नावल के अंदर जो है अनगिनत जो है वो अजीब किस्म के जो है वो सार्केसिज्म और आयरनी जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं, आयरनी का जो है इस्तेमाल हुआ हुआ है और आयरनी जो है वो मोस्टली इस्तेमाल हुई ही है वुमेंस के करेक्टर्स में और यानी कि जिस टाइम जो है औरतों का जो है ये हाल था सोसाइटी के अंदर यानी कि जो है जेनरेशन क्या कहती थी नथिंग लेस देन A dance on Tuesday could have made such a Friday, Saturday, Sunday and Monday endurable to Kitty and Lydia. So, for example, as like she speak volumes about the society of her time when he says as like those lines. So, in this novel, John Austin has made use of irony in many levels and in many dimensions as like in fact it may safely to be said that in this respect a proper estimate on her work and work may never be arrived to at so basically at the end that we can say that he used some of the ironical element and sarcasm and ignorance and unignorance elements and mostly humorous and irony use in the topic of novel in this novel as like which I have discussed with you